हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन अनदर वीडियो इन हर कोर्स सुपर ब्यूटी हैक्स। सो गाइस, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे इन दिस वीडियो अबाउट बेस्ट एंटी एजिंग क्रीम्स फॉर डे एंड नाइट आल्सो, एंड आल्सो वी हैव टू टॉक अबाउट इन विच एज वी हैव टू स्टार्ट यूजिंग दीज एंटी एजिंग क्रीम्स एंड हाउ दे हेल्पफुल, हाउ दे वर्किंग। सो वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग इन दिस वीडियो। सो इफ यू आर बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन टू रिसीव नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियो। एंड इफ यू आर नॉट कनेक्टेड मी ऑन सोशल मीडियाज फॉर दीज अमेजिंग लुक्स इन शॉर्ट्स वीडियो, सो यू कैन फॉलो me on also Instagram, my ID super beauty hacks. So without any further do, let's quickly get into this video. सो एंटी एजिंग क्रीम्स को हमें 22 या 20 एज के बाद हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ इसको यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर ऑल बॉयज़ को भी यूज़ करना चाहिए क्योंकि उनकी भी जो स्किन होती है वो सेम ही एंटी एजिंग के प्रोसेस में चली जाती है। एक एज के बाद रिंकल्स, ब्लैमिशेज एंड दिस प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट। ऑल्सो अब ये काम कैसे करती हैं, हाउ दे वर्क, हाउ दे हेल्पफुल फॉर आवर स्किन। सो ये इसमें मोस्टली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंड जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो हमारे स्किन को हाइड्रेट रखते हैं, स्किन सेल्स को रिपेयर करते हैं। होल नाइट ये काम करती हैं, हमारी स्किन सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, उनको रीजेनरेट करते हैं, एंड जिससे कि हमारी स्किन से ब्लैमिशेस वगैरह हट जाते हैं। तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे सीरम का भी वीडियो किया हुआ है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं कि कौन से सीरम्स कैसे हमारे लिए हेल्पफुल हैं। अब एंटी एजिंग क्रीम्स की बात हो रही है तो मैं ये चीज़ आपको प्रॉपरली क्लियर कर देना चाहती हूँ। जितना हम ध्यान देते हैं एक्सटर्नल चीज़ों पे, लाइक अबाउट क्रीम, सीरम, एसेंस, टोनर्स एंड ऑल दैट, तो ये चीज़ों के साथ साथ जितना हमारा इंटरनली क्लेंज होगा, हमारे जो एंटी एजिंग क्रीम्स जो हैं वो फ्री रेडिकल्स को एक्युमुलेट करता है एंड देन उस पर वर्क करता है, उनके सेल्स को रिपेयर करता है। तो अगर हम हेल्दी वेजिटेबल्स खाएंगे, हेल्दी फ्रूट्स खाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल बेसिकली हमारा होगा, तो उससे भी हमारे जो एंटी एजिंग प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से होगा। तो अब मैं बताती हूँ आपको एंटी एजिंग क्रीम्स के बारे में। अगर मैं मेडिकेटेड एंटी एजिंग की बात करूँ कि आपको बहुत स्माइल लाइन्स आ गई हैं, ये चीज़ें आ गई हैं एंड यू वांट टू रिकवर दैट, सो सबसे पहला अडेप्लिन है, 0.01 समथिंग आता है, मैं यहाँ पे दिखा दूँगी आपको। तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, एंड ऑल्सो आप रेटिनॉल ए का जेल यूज़ कर सकते हैं, उसमें आता है 0.025%। तो आप इन क्रीम्स को यूज़ कर सकते हैं, बट ये है कि आपने इनको डे में यूज़ नहीं करना है, सिर्फ नाइट में यूज़ करना है। बेसिकली ये डेरिवेटिव्स है ऑफ वाइटमिन ए। इन दो क्रीम्स का, ट्यूब्स का एक ड्रॉबैक है कि ये आपकी स्किन को एक्सट्रीमली ड्राई करती है, बहुत ज़्यादा ड्राई करती है। सो इसलिए अगर जब भी आप नाइट में अगर आप इनको यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक, पैच टेस्ट लेना है, एंड देन यू स्टार्ट दीज क्रीम्स ओनली ऑन नाइट आफ्टर क्लेंज योर फेस, एंड बहुत ज़्यादा स्किन को ड्राई आउट करता है। उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना ही है, विदाउट मॉइस्चराइजर आप इसको मत यूज़ कीजिएगा बिकॉज स्किन को एक्सट्रीमली ड्राई आउट करती है। एंड ऑल्सो आप अपनी स्किन को हाइड्रेट ज़रूर रखना, अच्छा सा मॉइस्चराइजर अप्लाई करो, टोनर यूज़ करो, देन ड्रिंकिंग वाटर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इफ़ यू कंटिन्यूज दीज जेल्स तो धीरे धीरे इट क्लियर्स योर रिंकल्स, फाइन लाइन्स, ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन, सो इट्स रियली इफेक्टिव जेल्स। बट ये है कि बस आपकी स्किन को ड्राई आउट करती हैं, सो स्किन को हाइड्रेट ज़रूर रखना, बेस्ट मॉइस्चराइजर इसके पास ज़रूर अप्लाई करना, और दिन में मत अप्लाई करना बिकॉज दीज आर मेडिकेटेड जेल्स, एंड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, बट ये है कि आपको पैच टेस्ट लेने के बाद ही यूज़ करनी है। एंड सेकेंड वन ऑफ दोज पीपल्स हु हैव ऑयली स्किन, एक्ने प्रोन स्किन एंड ऑल्सो सेंसिटिव स्किन, वेन वी टॉक अबाउट एक्ने प्रोन स्किन, सेंसिटिव स्किन, पीपल आर लाइक रियली अवेयरनेस अबाउट स्किन केयर प्रोडक्ट्स। सो
आपके लिए बस यही है कि आपको यूज़ करना है हायलू जेल, जिसमें होता है हाइलुरोनिक एसिड होता है। तो हाइलुरोनिक एसिड जो होता है वो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एंड ये मैंने अपने सीरम के भी उसमें बताया है कि एक्ने प्रोन स्किन है, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो हाइलुरोनिक एसिड जो होता है वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एज आई टोल्ड इन माई सीरम वाली वीडियो में कि इसको यूज़ करने से पहले आपका फेस वेट होना चाहिए, ये भी आपकी स्किन को ड्राई आउट करता है। ये अगर आप ड्राई स्किन पे यूज़ करो तो ड्राई आउट करता है, लेकिन अगर आप अपनी वेट स्किन के ऊपर अप्लाई करोगे तो ये आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा, बेनिफिट्स देगा एंड इमेजिनरी बेनिफिट्स देता है आपकी स्किन को, और ये धीरे धीरे आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है जिससे कि स्किन की इलास्टिसिटी जो है वो बढ़ती है, जिसकी वजह से आपकी पिगमेंटेशन, फाइन लाइंस, ड्राई स्किन, ये सारी चीज़ें ठीक होती हैं। एक्ने प्रोन स्किन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है एंड आपके रिंकल्स, फाइन लाइंस को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। एंड यू कैन यूज़ दिस क्रीम फॉर बोथ टाइम, लाइक मॉर्निंग एंड नाइट ऑल्सो। बट अभी तक जो मैंने जेल्स बताई हैं वो सारी मेडिकेटेड थी। हम लोग क्या है कि मेडिकेटेड में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वी ऑलवेज प्रेफर टू लाइक जो बड़े वाले ब्रांड्स हैं उनमें इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, लाइक जो कॉस्मेटिक्स में आती हैं। तो हम लोग हमेशा देखते हैं कि कौन सा लाइक यू नो अच्छा प्रोडक्ट है, कौन सी कंपनी का अच्छा प्रोडक्ट है, तो हम उनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो अब मैं आपको वो वाली बताने वाली हूँ जो मार्केट में नॉर्मली अवेलेबल होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना टू टॉक अबाउट दिस पॉन्ड्स का एज मिराकल क्रैम। ये बहुत अच्छा क्रैम है एंड इसमें आपको रेटिनो ए अल्फा हाइड्रोक्सिक एसिड मिल जाएगा, AHA मिल जाएगा एंड ऑल्सो हाइलुरोनिक एसिड भी इसमें आपको मिल जाता है। ये जो पॉन्ड्स का क्रीम है आप इसको मॉर्निंग में यूज़ कर सकते हैं। एंड सेकेंड वन इज़ फ्रॉम ओले, एंटी एजिंग नाइट क्रीम है ओले का, एंड जो आपके सेवन बोलते हैं ना चीज़ों को फिक्स करता है, आप उसे रात में यूज़ कर सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर सेंसिटिव स्किन, अगर आपका सेंसिटिव स्किन है यू शुड इन्वेस्ट इन न्यूट्रोजिना का रैपिड रिंकल रिपेयर क्रीम। सुपर क्रीम है फॉर सेंसिटिव स्किन। और ऑल स्किन टाइप्स की बात करूँ तो वाओ का सबसे अच्छा है एंड नाइट एंटी एजिंग क्रीम है वाओ का, तो वो ऑल्सो वो हेल्पफुल है बहुत ज़्यादा आपकी स्किन के लिए एंड ऑल्सो उसमें केमिकल भी नहीं है, पैराबिन एंड अदर मिनरल्स सब फ्री है एंड इट्स सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। नेक्स्ट वन इज़ लॉटस का हर्बल फाइटो RX एंटी एजिंग क्रीम। यूज दिस लॉटस का प्रोडक्ट एट डे टाइम एंड इट इज़ रियली गुड फॉर दोज पर्सन्स हु हैव ड्राई स्किन। एंड इफ यू हैव पैसा 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 बहुत सारा तो आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं क्लिनिक का जो आता है ना सुपर डिफेंस एंटी एजिंग क्रैम विद SPF 25। यू कैन यूज दिस क्रैम डे डे मॉर्निंग टाइम। पैसा पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो क्लिनिक के इस क्रैम के ऊपर, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये डे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी एक मॉइस्चराइजर है, एंटी एजिंग क्रैम है। ये हमारी स्किन को बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं करता है, फॉर ऑल स्किन टाइप्स के लिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप तब भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड ऑल्सो अगर आप इस क्रीम को यूज़ करते हैं एंड उसके ऊपर आप मेकअप अप्लाई करते हैं तो आपका जो मेकअप है वो कभी भी ग्रीसी नहीं होता है। एंड क्लीनिंग का ये वाला एंटी एजिंग क्रीम टोटली पैराबिन फ्री है। एंड फिर भी मैं एक सीरम की बात कर रही हूँ क्योंकि आप उस सीरम को एज अ नाइट एंटी एजिंग नाइट क्रीम की तरह यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ अबाउट विटामिन सी सीरम, तो जिसका मैंने ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था। बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको विटामिन सी सीरम हमेशा नाइट में यूज़ करना है, मॉर्निंग में यूज़ नहीं करना है, बिकॉज सनलाइट में ये ऑलवेज डीएक्टिवेट हो जाता है, आपकी स्किन को कोई बेनिफिट नहीं देगा। लेकिन रेदर देन अगर आप इसको रात में यूज़ कर रहे हैं तो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। एंड अगर आपको विटामिन सी सूटेबल नहीं है गो एंड इन्वेस्ट इन नायसिनामाइड सीरम। थे जो मैंने आपको आपके साथ शेयर किए हैं बेस्ट एंटी एजिंग क्रैम्स फॉर डे एंड नाइट ऑल्सो। सो आई होप आपको अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमें किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है, कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल विच इज़ हर कॉल सुपर ब्यूटी हैक्स। टेक केयर गाइज़।